बेस्ट ऑफ बायोलॉजी का सेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि नहीं होगा, राइट? एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू कि अब हमारा एस्पायर नीट वाला जो सेशन है जिसमें 11th क्लास वाला जो पूरा पार्ट है, जो 12th है वो तो नहीं, वो सारा मैं ही डील करूंगी, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं बेस्ट ऑफ बायोलॉजी नहीं होगा तो क्या. कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ बायोलॉजी नहीं होगा तो बेटा क्या हुआ, सेम मी एंड सेम टाइप ऑफ टीचिंग आई एम गोइंग टू डू ओवर दिस सेशन एज वेल. सो सिंगल क्लास ऑन यूट्यूब राइट नाउ इज योर एस्पायर नीट, दैट इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द सिलेबाई ऑफ क्लास 11th, राइट? हाई सोफिया, अंजलि, निखिल एंड पूजा एंड पीपल ओवर फ्रॉम द क्लास रूम आर अर्पित, मिर्जा, जितेंद्र, वेरी गुड. आई एम वेरी गुड एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे. प्लीज़ ये बॉटनी वाला सिंबल देख के ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन सारे बॉटनी के हैं, समहाउ द सिंबल्स हैज चेंज्ड ओवर हेयर. सो जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस फॉर द कमिंग 2 to 3 क्लासेस. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों. एंड क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट? ऐसे आपके एक या दो सेशंस और चलेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक ऑन द वे वी वर डिस्कसिंग द थिंग्स अर्लियर. ओके निकिता, आई अंडरस्टैंड दैट यू वॉन्ट बेस्ट ऑफ बायो विद मी. ओके दैट्स गुड. चलिए इसको ही बेस्ट ऑफ बायो समझ के चल लेते हैं, ठीक है निकिता? सो टाइमिंग 6 o'clock ही रहेंगे लेकिन इस सेशन के. आई एम वेरी गुड शोएब, थैंक्स फॉर आस्किंग. आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे बेटा. नहीं मिर्ज़ा, अब जो बेस्ट ऑफ बायो वाला जो आपका सेशन है वही नहीं होगा, ठीक है? उसकी जगह पर अब हमारा एस्पायर नीट चलेगा 11th के लिए, क्योंकि मैं डील कर रही हूँ उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे ऑब्वियसली, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे वही, ठीक है? सो ठीक है, अब इस चैनल की आदत डाल लो, ठीक है निखिल, ठीक है निकिता? सो कुछ दिन जब तक हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं तब तक हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट? उसके बाद फिर हम जो भी टॉपिक्स, सिंगल टॉपिक्स जो पर डे यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे, ठीक है? और ओके निकिता, और इसके अलावा ऐप पर आई विल बी टेकिंग द चैप्टर, जैसे कि अभी चैप्टर चल रहा है हमारा ऐप पे पूरा स्केलेटल सिस्टम, नेक्स्ट क्लास में मैं उसकी डिसऑर्डर्स कराऊंगी, राइट? वहाँ पर आपका इंटरैक्टिव क्विज भी होगा एवरी ऑल्टरनेट डेज. आफ्टर द चैप्टर जो हमने चूज़ किया है, जो हम मुंबई कर रहे हैं इन ऑन द ऐप, आफ्टर दिस चैप्टर दैट इज़ योर लोकोमोशनल मूवमेंट, नेक्स्ट चैप्टर मैंने चूज़ किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम. बेटा जिन्हें ऐप पर अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड. फर्स्ट लेक्चर विल बी लंग्स एंड एल्वियोलाई एंड कंप्लीट जो एनाटमी है पूरे लंग की, हम वो पढ़ेंगे. सेकेंड लेक्चर में मैं वहाँ पर डील करूँगी आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, थर्ड में एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फोर्थ में डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द ऐप. नो निकिता, आज मेरा तो कोई इंटरेक्टिव क्विज नहीं है बेटा, किसी और सब्जेक्ट का 110% होगा, माइट बी केमिस्ट्री का आज सेशन या फिर इंटरेक्टिव क्विज होगा जहाँ तक मुझे याद है, आप एक बार चेक कीजिए. माइंड सेशन विद यू ऑन ऐप विल बी ऑन वेंसडे एंड थर्सडे. वेंसडे आई विल बी टेकिंग द लेक्चर, ऑन थर्सडे वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रैक्टिसिंग, राइट? कोई बात नहीं आदिति, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो भी पीछे से रिलेटेड नहीं है. वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड टाइम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर विच आर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स मूव अहेड. आज बेटा मैंने जो क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन डिजीज बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस रखे हैं फ्रॉम योर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटॉमी एंड फिजियो पे बहुत क्वेश्चंस आपने करे हैं. कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिजीज बेस्ड पार्ट से या कोई डिसबिलिटी या एबनॉर्मेलिटी वाले पार्ट से, राइट? सो लेट्स प्रोसीड विद इट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ HCl इज नॉट सिक्रीटेड इन स्टमक, राइट? मिर्जा नहीं बेटा, ये जो क्लास है आपका सेशन है एस्पायर नीट, ये तो थ्रू आउट द ईयर चलेगा बेटा. ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं फॉर दिस चैप्टर फॉर बोर्ड्स प्रैक्टिस, ये कुछ टाइम तक चलेंगे, 2 or 3 मोर क्लासेस. आई वंदना, वेरी गुड इवनिंग टू यू. इंटरैक्टिव क्विजेज इन द मॉर्निंग वाले नहीं होंगे बेटा, द इवनिंग में होंगे टॉपिक इन द इंटरैक्टिव क्विज बेटा, ठीक है? चलिए
सो हेयर इट इज़, वॉट वुड हैपन इफ HCl इज़ नॉट सिक्रेटेड इन स्टमक. तो पहले हम थोड़ी सी, चलिए आप आंसर रीड कीजिए, मैं आपको सारी स्टोरी बिहाइंड इट बताती हूँ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, बताइए. If you know the answer, that what do you call, give the name to the glands, glandular cells especially, specifically agar main bolu, which produce and secretes HCl, agar aapko pata hai, uske alawa, cast cells intrinsic factor, what type of cells produces, peptic cells, no Aditi? ऑक्सेंटिक सेल्स, यस ज़ारा, ऑक्सेंटिक सेल्स, राइट. पेप्टिक और चीफ सेल्स तो बेटा आपका पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स दे प्रोड्यूस इट, राइट. पेराइटल सेल्स और ऑक्सेंटिक सेल्स, वेरी गुड पीपल. सो बेटा ऑक्सेंटिक सेल्स अगर किसी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस ना करें स्टमक में, विच इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द पी एच बिटवीन 1.4 to 2 या 1.8 to 2, that pH is necessary for the conversion of pepsinogen inactive enzyme into pepsin, that is the active protein digesting or proteolytic enzyme. Similarly, in बच्चों में prorenin to renin, right? You know that for protein digestion. So पहली बात तो, पहला काम तो acidic medium अगर नहीं मिलेगा तो आपके pepsinogen as well as prorenin active form में convert नहीं होंगे, protein digestion नहीं होगा, जो सबसे पहले आपके mind में strike हुआ होगा. Second चीज़ जो काम नहीं होगा उस stomach में, वो क्या है? Your HCl is required to kill the bacteria or pathogens entering with the food in your stomach. So since it is a very high pH, majority of the organisms will not be able to tolerate that high acidic pH, I should say, I should correct myself. If that acidic pH वहाँ नहीं होगा तो pathogens नहीं बच, जो मर रहे थे उस time पर, जो हमें protection मिल रही थी बहुत सारे pathogens से due to the secretion of this enzyme, वो अब नहीं मिलेगी. थर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम जनरली नहीं पढ़ पाते या किसी वजह से नहीं पढ़ा होगा आपने या पढ़ाया नहीं गया होगा, वो ये है बेटा, दिस यहाँ से रीड कीजिए, इफ आई हैव रिटन इट, यस. HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कन्वर्ट्स Fe3 पॉजिटिव इंटू Fe2 पॉजिटिव आयन्स, फेरिक इंटू फेरस आयन्स कन्वर्जन, विच मेक्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन पॉसिबल. Non-secretion of HCl causes achlorhydria or gastrectomy, which can lead to iron deficiency anemia. This is very, very, very important function. बेटा जो हमारा ये है, क्या कहते हैं, conversion of ferric into ferrous ions है, ये क्यों है? आप जितने भी डाइट्स ले कंज्यूम करते हैं, कोई बात नहीं अनुप्रिया, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट किया है डिस्कस करना, जितनी भी डाइट्स में आप आयरन कंज्यूम करते हैं, वो आयरन जो आप फूड से लेते हैं, चाहे वो स्पिनच से लें या किसी और वेजिटेबल से लें या किसी और सोर्स से लें, वो हमारी बॉडी में फेरिक आयन्स की फॉर्म में जाता है, नेचुरली सोर्सेस दैट आर प्रोवाइडिंग यू आयरन. HCl की प्रेजेंस में Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन्स आर कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव यानी कि फेरस आयन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट द पीएच ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.8, राइट. Now this form is the absorbable one form. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं हुआ तो अपार्ट फ्रॉम योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या इम्यूनोलॉजिकल जो डिफेंस नहीं मिलेगा, उसके अलावा बेटा बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आयरन डेफिशियंसी एनीमिया. अगर ये आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो मैच्योरेशन ऑफ RBCs में, हीमोग्लोबिन में, हीम ग्रुप के जो हम बना, जो हमारी बॉडी डिज़ाइन करती है, उसके पास, उसके लिए आयरन ही नहीं पहुंचेगा. आयरन नहीं पहुंचेगा तो उसे आप कॉमनली कहते हैं योर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विच इज़ साइंटिफिकली कॉल्ड माइक्रोसिटिक. अच्छा बताइए, आपको, आपने टाइप्स ऑफ एनीमियाज पढ़े हैं? अगर आपने सर्क्यूलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपने वहाँ पर परनीशियस अनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का साइंटिफिक डिजीज जो नेम है, साइंटिफिक तो मैं वर्ड ना यूज़ करूँ, जो हम डिजीज नेम लेते हैं वो पढ़ा होगा. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया तो हम इसे कॉमनली कह देते हैं ना बेटा. सो वट डू यू कॉल इट इन मोर मेडिकल फॉर्म, आई शुड नॉट से साइंटिफिक, बताइए. If anyone know that, मैंने first word बोल भी दिया था, that it is the anemia because of the deficiency of Fe2 positive or heme group, it will be known as microcytic hypochromia, hypochromic या hypochromia.
हाइपोक्रोमिक एनीमिया. माइक्रोसेटेक हाइपोक्रोमिक एनीमिया राइट विच अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe2 पॉजिटिव इन द ब्लड जहां से बॉडी हीमोग्लोबिन डिजाइन करेगी तैयार करेगी राइट. सो ये है अगर डिजीज का नाम ये आ जाए माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द ब्लड. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. यस निखिल यू आर राइट. एंड ये बिकॉज ये वाइटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं होता बेटा, ये होता है आपकी डाइट में या तो आयरन नहीं है इसलिए, या डाइट में आयरन है लेकिन आपके स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं एक्सेंट्रिक सेल्स जो हैं वो किसी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ लीडिंग टू द नॉन कन्वर्जन ऑफ योर Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव फॉर्म दैट हैज़ टू बी कंज्यूम्ड दैट हैज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड लेटर ऑन विच इज़ द एब्जॉर्बेबल फॉर्म. सो ये हैं तीन पॉसिबिलिटीज़ जिन जो कि ये पॉसिबल कंडीशंस जो कि आपकी बॉडी में अगर ऑक्सेंटिक सेल्स काम करना बंद कर दें जिस जो तो ये कंडीशंस अराइज हो सकती हैं. प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे, प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगी, आपकी फूड के साथ जितना भी जितने भी बेटा ये पैथोजेंस बैक्टीरियाज वगैरह अंदर जा रहे हैं बॉडी में वो किल नहीं हो पाएंगे and it makes your body more susceptible to the diseases. Thirdly, it can lead to the iron deficiency anemia. Right? Next question ki taraf move karte hain. Question number 2 for the day is, during Second World War, nice question, many thousands of prisoners of war, jinhe POW bhi kehte hain, were disabled or killed by beriberi in German POW camps. How do you think that? Read kijiye, main aapko story batati hu. Beta, question hai regarding jab concentration camps hua karte the, Second World War, which is ironically quite a good phase for the medical world or medical developments and so many changes that we have in the or advancements, not changes, advancements in the field of the human physiological development. Ironically, maine ek kyun word use kiya, because is time par obviously human subjects were very crucial, very brutally used in so many concentration camps. सबसे परफेक्ट एग्जांपल हिटलर को आप सब जानते हैं राइट. ओके निकिता, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू पीपल द बिलेटेड वन राइट. सो गुड क्वेश्चन रिगार्डिंग गुड विश रिगार्डिंग निकिता, जस्ट इट मतलब एक आयरोनिक वे में जो मैं इंसिडेंट डिस्कस कर रही हूँ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बेटा वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो बेटा लड़ी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ योर एम्यूनमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द टेरिटरी एंड ऑल दैट. वहाँ पर एक प्रिजनर को मार दिया, ख़त्म कर दिया, बात ख़त्म है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपार्ट फ्रॉम द पावर टू होल्ड अ किंगडम और द कंट्री और एंटायर, इसके अलावा कुछ और भी चल रहा था. बहुत से कंट्रीज़ जैसे कि आप जर्मनी जानते हैं, जापान जानते हैं, ये सब जर्मनी के रिगार्डिंग ही नहीं है, वहाँ पर इंटेलिजेंस एक अलग लेवल पर थी, वहाँ पर एडवांसमेंट इन साइंस कुछ अलग फॉर्म में चल रही थी, बायोलॉजी में राइट. ह्यूमन जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर थिंग्स जो कि विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इवन इन माई स्टडीज़ व्हेन आई डिड इन जेनेटिक्स, तो बायोएथिक्स नाम के एक बड़े से टॉपिक के अंदर ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी. अच्छी अच्छी मतलब ये एक अलग वर्ल्ड था फ्रॉम द मेडिकल स्टडीज़ में जहाँ पर हम ये सब चीज़ें पढ़ते थे. तो बेटा उस टाइम पर POW प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो होते थे इन्हें एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते थे टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, सो मेनी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा. इस टाइम पर क्योंकि ह्यूमन सब्जेक्ट्स को यूज़ किया जा रहा था तो हमारे पास बहुत, क्योंकि बेटा आज के आप समझ के सोच के देखिए जो हमने पिछले 50-60 सालों में कोई बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इन मेडिकल वर्ल्ड नहीं किया है. बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज जो तब आ गया था, अब हम बहुत सारी मेजर बीमारियों का इलाज नहीं निकाल पा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली हमारे बायोएथिक्स कमिटीज़ एंड लॉज ने हमें बाउंड कर दिया है कि हम अब ह्यूमंस को एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, जो कि सही भी है एक हद तक.
तो अब हमें मॉडल ऑर्गेनिजम्स को यूज करना पड़ता है सब्जेक्ट फॉर फाइंडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सो मेनी डिसऑर्डर्स. ट्यूबरक्यूलोसिस हम मोस्टली जो हैं बेटा उसके स्टडी के लिए, उस ट्यूबरक्यूलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हम मॉडल माउस को, माइस ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं. माउस या माइस, अब माइस समझिए प्लीज़, जिनमें कि वो जीन ही मिसिंग है जिनसे कि उन्हें टीबी हो सके. हम इंड्यूस करवा के उनकी बॉडी में ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं. राइट. सो बहुत सारी और ऐसे हमारे पास अब कॉन्स्ट्रक्शन जो है कि कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए जो ज़रूरी हैं, क्योंकि आप एक चीज़ के सॉल्यूशन के लिए ह्यूमंस को एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है, कोई अगर कोई किसी प्रॉब्लम से कोई हमारी सिविलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, सॉरी हमारी कंट्री में या लैंड पे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए किसी और ह्यूमन को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, विच इज़ अनएथिकल. राइट. पर उस टाइम पर हिटलर परफेक्ट एग्जांपल है, वहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हुआ करते थे जर्मनी में या जापान में भी होते थे. ठीक है, आपको लगता है कि जापान में वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब हिरोशिमा नागासाकी अटैक हुआ, उसमें यूएस की बहुत बड़ी वो था, एक सेल्फिश मीन था? नहीं बेटा, स्टार्टिंग में देर आर सो मेनी स्टोरीज जहाँ पर जापनीज सोल्जर्स ने अमेरिकन सोल्जर्स को कैप्चर किया POW की फॉर्म में, और उनमें मस्टर्ड गैस वगैरह वाले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. तो ऑब्वियसली इन अ फॉर्म ऑफ वेंजेंस ये सारे स्टेप्स हुए, एंड इस तरह से न्यूक्लियर वॉर वगैरह, एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज़ हुआ था. ठीक है, तो ये बहुत सारी स्टोरीज हैं, अगर आप ढंग से पढ़ें अपनी हिस्ट्री ऑफ मेडिकल वर्ल्ड तो आपको मिलेंगी. एक स्टोरी ये भी है कि जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, ये स्टोरी जापान के लिए भी जाती है, बहुत सारे POW जो POW यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर बेरी बेरी डिजीज से मरे थे. ऐसा क्यों? प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वर केप्ट ऑन ओनली पॉलिश्ड राइस बेस्ड डाइट विच इज कम्प्लीटली डेफिशियंट ऑफ वाइटामिन B1. बेटा फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट, या और भी सेकेंडरी पर्पज भी हो सकते हैं, वो वी डोंट नो, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कुछ एक मतलब देयर मस्ट बी सम सेट ऑफ द कैंप्स जहाँ पर सिर्फ राइस फीड किया जाता था, और वो राइस पॉलिश्ड राइस है. पॉलिश्ड राइस वो होता है जो आप अभी भी अपने घर में खाते हैं, दैट इज़ वाइट राइस, हस्क फ्री राइस, उसके ऊपर हस्क यानी कि छिलका नहीं होता. जो हस्क है बेटा, दैट इज़ अ वंडरफुल सोर्स ऑफ योर वाइटामिन B1. लेकिन हस्क उतारने के बाद जो आपके आप जो राइस वाइट राइस खाते हैं, दैट इज़ द पॉलिश्ड राइस. राइट, दैट इज़ वाइट राइस इज कम्प्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ वाइटामिन B1. And deficiency of vitamin B1 causes the disease beriberi. So beriberi जो disorder से बहुत से वहाँ पर जो death हुई, बहुत से बीमार हुए prisoners. हमें फिर ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हम polished rice के साथ, आप अकेले rice नहीं खाते, आप उसके साथ wheat अगर आप consume कर रहे हैं, आप pulses कर रहे हैं, there are other food resources as ample amount of vitamin B1. Vitamin B1 which is called thiamine, right? अगर आपको पता है तो it's a deficiency can cause the disease beriberi out of so many disorders. Beriberi बेटा दो टाइप के डिसऑर्डर्स हम ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें, एक को ड्राई beriberi कहते हैं, एक को वेट beriberi कहते हैं. वेट beriberi जो इम्पैक्ट करता है वो है आपके सर्क्यूलेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स वगैरह को. ड्राई beriberi जो है बेटा वो इम्पैक्ट करता है आपके नर्व्स को, आपके नर्वस सिस्टम को. जो ड्राई beriberi है जो नर्व्स को इम्पैक्ट करता है बेटा, ये डैमेज ही कर देता है, इम्पैक्ट तो वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, डैमेज कर देता है बेटा. इट लीड टू द डिसोरिएंटेशन और डिक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ, योर स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती है, और मसल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता ठीक से, जिसकी वजह से धीरे धीरे पैरालिसिस काइंड ऑफ होना भी स्टार्ट हो जाता है टू द पेशेंट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो मस्कुलर पैरालिसिस है ये लीदल भी हो जाता है आफ्टर सम स्टेज, स्वॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अनपैरेलल्ड कोऑर्डिनेशन हो रहा है. ये बहुत कॉमन, ड्राई beriberi इज मोर कॉमन एज कम्पेयर टू द वेट beriberi, एंड दिस इज अ क्रिटिकल डिसऑर्डर. अगर अब तो इसका ट्रीटमेंट है वाइटामिन B1, आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, साथ में आपको नहीं होगा टैबलेट्स वगैरह दे दी जाती हैं, पर ये आपका एक डाइजेस्टरी प्रॉब्लम बेस्ड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ POW जो हैं उनकी डेथ हुई, या वो बीमार हुए, या उन्हें एक तरीके से कहना मैड डिक्लेयर कर दिया गया, साइकिक डिसऑर्डर्स हो गए ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर वाइटामिन इन देयर बॉडी. एंड ये कैसे गया ये आपको समझ आ गया होगा.
राइट. वाइटामिन बी वन से रिलेटेड एक और कंडीशन पढ़िएगा, ये मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दे रही हूँ. सेलर्स को कहा जाता है कि वो कच्ची फिश, रॉ फिश, अनकुक्ड फिश ना कंज्यूम करें. क्यों? अगेन अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू वाइटामिन बी वन डिफिशेंसी. राइट. यस, मेंटल असाइलम वगैरह में वहाँ असाइलम भी क्या थे बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन कैंप में तो देवर द सब्जेक्ट्स टू सम काइंड ऑफ सम अदर डॉक्टर्स हु आर एग्जामिनिंग दम फॉर सम इम्पैक्ट्स. राइट. एक और चीज़ बताऊँ बेटा, ये जो इम्पैक्ट, ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, इन्हें कच्चा राइस दिया जाता था टू सर्वाइव, कुक्ड भी नहीं होता था वो कच्चा राइस. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट वुड हैव कॉज्ड मच मच डिफिकल्टी डाइजेशन में भी, और उसके बाद तो फर्दर उन्हें एनर्जी कितनी मिल रही होगी अपने आप को सस्टेन और रिटेन करने के लिए. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. राइट. सो रॉ फिश वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़िएगा. एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया. माइट बी देन आई हैव टू लुक इन टू इट निकिता, कि सैल्मन में जो मसल्स में दैट पर्टिकुलर एंजाइम नहीं होता होगा जो कि हमारी बॉडी में थायमिन के मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करता हो. आई हैव टू सी दैट अबाउट सैल्मन. राइट. बट सो मेनी अदर फिशेज देर आर देयर, मरीन फिशेज स्पेशली, जो कि नहीं कंज्यूम करनी चाहिए रॉ, बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ एंजाइम्स इन द मसल्स जो कि हमारी बॉडी में थायमिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है. आई हैव टू सी इनटू इट. राइट. सो राइस की से बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, वाइटामिन बी वन डिपेंडेंट है. नेक्स्ट, बाइल जूस कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स येट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, वाई? बेटा एनसीईआरटी बेस्ड ही आने चाहिए क्वेश्चन तो ज़ारा नीट में. राइट. सोफिया यस योर टेक्स्ट आर विजिबल टू यू. अरे बेटा बेरी बेरी का कोई फंक्शन नहीं है, बेरी बेरी डिजीज का नाम है, थायामीन वाइटामिन बी वन का फंक्शन है आपकी मसल्स कोऑर्डिनेशन में. ठीक, लेट्स सी द आंसर. पहले मैं आंसर रीड कर देती हूँ, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं. बाइल जूस सिक्रेटेड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज लार्जेस्ट ग्लैंड एक्सोक्राइन, लार्जेस्ट ग्लैंड एंड दैट लार्जेस्ट ग्लैंड इज द एक्सोक्राइन वन इज द लिवर. लिवर से प्रोड्यूस्ड हुआ बाइल जूस जब कोई एंजाइम ही नहीं रख रहा, सो वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ओके, अबाउट 500 मिलीलीटर टू 1000 मिलीलीटर ऑफ नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर कॉल्ड बाइल. पीएच ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लिवर सेल्स इज 8.6, यानी कि बेसिक पीएच है. बाइल जूस कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, बाइल जूस कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट एंड बाइल पिगमेंट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो. इज द वीडियो वर्किंग प्रॉपरली फॉर एवरी वन? आई थिंक द वीडियो हैज गॉट हैंग फॉर सम अदर. नॉट दैट मच लॉन्ग आंसर आपको लग रहा है लॉन्ग, बट आप जब लिखने बैठेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं रिगार्डिंग योर बाइल जूस मेटाबॉलिज्म. ओके, इफ इट्स वर्किंग फाइन इट्स फाइन. राइट. सो बाइल जूस कंटेन्स बाइल सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट्स एंड दीज एंड बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. ठीक है, जो बेटा आपके तीनों सॉल्ट्स हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट्स, ये तीनों पिग जो आपके सॉल्ट्स हैं, दीज आर कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव्स. दीज आर कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव्स एंड दीज सॉल्ट्स हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि लार्जर फैट ग्रोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना. जैसे कि आपके पास एक बड़ा सा मरकरी का बॉल है और आपने उसे जोर से मारा और उसके छोटे छोटे मरकरी के बॉल्स बन गए. राइट. इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन. डाइजेशन नहीं करवाई इन्होंने फैट की. कोलेस्टेरॉल, दे आर द कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव्स दिनेश, दे आर द कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव्स इन योर बॉडी. राइट. सो दीज सॉल्ट्स, तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज हो रहा है. अगर उन डिराइव करके आप कोलेस्ट्रॉल से उन्हें सॉल्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है हमारा लिवर, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो मैनेज होकर के वो सॉल्ट्स फर्दर मैनेज कर रहे हैं फैट को इमल्सिफाई करने में. राइट. सेकंड जो आपका यहाँ पर जो सिक्रीशन है बाइल जूस की, दैट आर द बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. बिलीरुबिन इज ग्रीन इन कलर पिगमेंट एंड बिलीवर्डिन इज येल्लो इन कलर. दीज टू पिगमेंट्स जो हैं,
इट शुड बी ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन सक्षम. राइट, बिलिरुबिन जो है आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट है और बिलिवर्डिन आपके येलो पिगमेंट्स हैं. ये पिगमेंट जो है हमारे बॉडी में लिवर ने बनाए नहीं बेटा, ये जो पिगमेंट्स हैं ये पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन की डाइजेशन. पिगमेंट्स आर द कलर कंटेनिंग कंपोनेंट्स बेटा. कलर जो कलर, तभी तो मैंने ग्रीन और येलो कलर वर्ड यहाँ यूज़ किया. हाँ, जब अपने हीमोग्लोबिन को किल करता है हमारा, जब हीमोग्लोबिन किल हो रहे हैं या डाइजेस्ट हो रहे हैं इन द लिवर, तो उससे येलो एंड ग्रीन कलर के पिगमेंट्स बेटा प्रोड्यूस हो रहे हैं. वो जो वेस्ट हैं एक्चुअली आपके आपके लिवर से, लिवर हेपेटस में बना हुआ, हेपेटोसाइटिक सेल्स के द्वारा बनाया गया वेस्ट है. इस वेस्ट को बस बाइल को जो है, लिवर को जो है बाइल जूस के साथ बाहर फेंकना है बॉडी से. राइट, और जो ये वेस्ट है, अगर ये बाइल पिगमेंट्स जो हैं ये बाइल जूस के साथ आ जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. राइट, अब वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फर्दर अगर रीअब्जॉर्ब हो जाएं, देन देयर डिपोजिशन इन द सेल्स बीनीथ द स्किन इन द आइज माइट लीड टू द डिजीज विच यू कॉल एज जॉइंडस. बिली वर्डन विच इज द येल्लो कलर, बिली रुबिन इन The yellow pigments when they are deposited, सुजाता मैंने बताया bilirubin and biliverdin आपके hemoglobin को digest करने के बाद waste material हैं जो कि हमारे liver को बाहर फेंकने हैं. अगर वो reabsorb हो दोबारा से, sorry reabsorb नहीं, अगर वो absorb हो जाएँ via the absorbed food, तो वो आपकी skin cells वगैरह में deposited होंगे and they cause the disease jaundice. Basically the yellow colored pigment biliverdin that is responsible for the deposition, for the yellowish appearance of the skin, of the eyes, of the nails that occurs in jointers. Right. So actually bile juice does not contain even a single enzyme. Bile salts, cholesterol derivatives only help in emulsification of the fats. And bile juice containing bile pigments, they are the waste material of the produced by the liver that occurs due to the breakdown of the hemoglobin pigments. Right? So understand it till here only. I'm getting your mixed reviews for it. I guess आप लोग एक बार bile की पूरी composition पढ़ी है, उससे related disorders पढ़ी है. मैंने आपको bile जो salts है उनका बस function बताया है कि वो digestion में नहीं, emulsification of the larger fat molecules as mentioned by Nikita into the smaller छोटे छोटे जो micelle formation आपने पढ़ रखी है उस form में, उन्हें छोटे छोटे में similar function. मैंने आपको जैसे mercury का example दिया, Hg, mercury will remain mercury अगर आप उसके छोटे छोटे droplets पी कर देंगे तो. Same goes अगर आपके पास slime है, आजकल आप लोग stress relieving slime यूज़ करते हैं, आप उसके छोटे छोटे पीसेज कर दीजिए. एक बड़ा स्लाइम है, फिर छोटे छोटे पीसेज हैं, दैट इज स्लाइम ओनली, कॉम्पोजिशन वही रहेगा. हाँ, मुझे लग रहा है कि देर इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन विद द वीडियो, बट आई होप कि आपको सुन सही रहा है. थोड़ी देर में वो इंटरनेट कनेक्शन अगर सही हो जाएगा तो वो स्मूथ भी हो जाएगी प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सेलर्स कैन डाई बाय ड्रिंकिंग सी वाटर व्हेन बीइंग थर्स्टी. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इफ सी वाटर इज ड्रंक, इट्स मैग्नीशियम आयन्स इंक्रीजेज द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमिन बिकॉज मैग्नीशियम आयन्स इज एब्जॉर्ब्ड वेरी स्लोली. द ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम आयन्स इन इंटेस्टाइनल ल्यूमिन प्रिवेंट्स वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड. राइट, ऑन द कॉन्ट्रेरी मैग्नीशियम आयन ड्रॉज वाटर फ्रॉम द ब्लड इन टू द इंटेस्टाइनल ल्यूमिन बाय ऑस्मोसिस. सो क्या सबको फुल आंसर शो हो रहा है इस क्वेश्चन का, प्लीज़ मुझे बताइए स्क्रीन पे. सो वाटर इज नॉट गेन्ड बट लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड ऑन ड्रिंकिंग सी वाटर. इन एक्यूट कॉन्स्टिपेशन परजेटिव्स कंटेनिंग मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट्स आर कंज्यूम्ड विच इंक्रीजेज द फ्लूइडिटी ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स एंड कॉजेज इजेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड फीसेस. जिनको नहीं दिख रहा है मैं उनके लिए से थोड़ा सा, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू, नो इट्स नॉट गेटिंग एक्सपेंडेड. आई होप कि आप, मैं आपको समझा देती हूँ बेटा जिन्हें नहीं दिख रहा पूरा का पूरा आंसर. चलिए लेट मी जस्ट टेल यू द आंसर, देन यू विल अंडरस्टैंड इट. बेटा जो सेलर्स हैं कहते हैं कि सी वाटर नहीं पीना चाहिए अगर आप थर्स्टी हैं और आपका फ्रेश वाटर खत्म हो जाए. क्यों? बिकॉज इन सी वाटर मैग्नीशियम आयन्स एंड
NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है. राइट, पहले मैं आपको इस फॉर्म में समझाती हूँ. मैग्नीशियम आयंस हैज़ अ टेंडेंसी कि ये बहुत स्लोली एब्जॉर्ब्ड होते हैं आपके इंटेस्टाइनल ल्यूमन से, फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमन टू द ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, पहली बात तो ये. दूसरा जो है बेटा, जो मैग्नीशियम आयंस हैं Mg2 पॉजिटिव इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमन प्रिवेंट्स वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वॉट दे डू, मैग्नीशियम आयंस रादर पुल्स द वाटर फ्रॉम द ब्लड इनसाइड द इंटेस्टाइन. इफ वाटर इज बींग पुल्ड इनसाइड द इंटेस्टाइन, इट इज गोइंग टू कॉज डायरिया लाइक सिचुएशन. एक्सेसिव फ्लूइड फीसेस विल कम आउट ऑफ द बॉडी. अगर डायरिया लाइक सिचुएशन है, दैट इज गोइंग टू ऑलरेडी, वो जब डायरिया हो जाता है तो क्या होता है बेटा, व्हाट हैपेंस, एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटरी जो आपके इजेस्ट्री वेस्ट है, फीसेस वाटरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो इजेस्ट्री वेस्ट है, वो जो इजेस्ट्री वेस्ट है वो फ्लूइड की फॉर्म में बॉडी से बाहर जाने लग पड़ता है, जिसमें कि वेस्ट मटीरियल जो जिसमें कि आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट एब्जॉर्प्टिव मटीरियल है, वो एब्जॉर्प्टिव मटीरियल जो है वो एब्जॉर्प्शन से पहले ही बॉडी से बाहर एडजस्ट आउट हो जाता है. फर्स्ट पॉइंट, तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो बॉडी विल फील डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अगेन इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इसका कॉन्ट्ररी, जब आपको अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, ये मैं आपको लास्ट लाइन समझा रही हूँ जिन्हें नहीं समझ आ रही, जो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है उसमें अगर आप परजेटिव्स यूज़ करें, जिसमें कि जो आपको सेशेज वगैरह मिलते हैं जिसमें कि आपके मैग्नीशियम आयंस ज़्यादा हैं, मैग्नीशियम आयन अगर ज़्यादा है, आपने मैग्नीशियम आयन कंज्यूम किए, तो व्हाट विल हैपन, मैग्नीशियम क्या कर रहा था, आपके ब्लड से वाटर को पुल करता है, वाटर को पुल करेगा तो जो आपके फीसेज वहाँ पर स्टोर्ड हैं, जो बाहर नहीं जा रही बॉडी से, दे विल गेट डाइल्यूटेड और डिजॉल्व्ड एंड ईजिली कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ये तो इसका प्लस पॉइंट हुआ. अब बेटा, सी वाटर में मैग्नीशियम आयन क्या करवा सकते हैं, वाटर को पुल करवाएंगे फ्रॉम द इंटेस्टाइन, फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द ल्यूमन. एक तो ये हो गया, ये तो मैंने आपको मैग्नीशियम आयन का रोल बता दिया. NaCl क्या करेगा बेटा, जो NaCl है बेटा, आप अपने सेल्स में जानते हैं कि आपकी सेल्स की ऑस्मोलैरिटी क्या है, और वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 0.9% ऑफ NaCl कॉन्सेंट्रेशन हम मान के चलते हैं, राइट, परसेंटेज. इसी के रेफरेंस परजेटिव्स बेटा, कोई भी मेडिसन जैसे ORS का घोल वगैरह आप लोग देखते हैं, सॉल्ट्स का जो मिक्सचर लेते हैं, राइट. अब आपके अगर सेल्स सभी इस पूरी बॉडी में, हमारे ह्यूमन सेल्स में कुछ बस माइक्रोब्स को छोड़कर बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स में, जो सेल्स में NaCl की जो अगर आप ऑस्मोलैरिटी देखते हैं, दैट इज 0.9% के आसपास बताते हैं हम, ठीक है. इसी के बेस पे हम सॉल्यूशन को आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कहते हैं, कि सेल को अगर कितने मीडियम में रखा जाए तो वो बाहर का सॉल्यूशन आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक होगा. अगर बाहर आपने ऐसा सॉल्यूशन प्लेस कर दिया जिसमें भाई, जिसमें NaCl की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 0.9% से ज़्यादा है, हाइपरटोनिक, कम है तो हाइपोटोनिक, 0.9% है तो हाइपोटोनिक. समझ आ गया, आप ऑलरेडी सेल्स में आपकी ऑस्मोलैरिटी है, Mg2 पॉजिटिव से ऑलरेडी वाटर वहाँ विदड्रॉ हो रहा है, राइट. अब इस चीज़ को आप सी वाटर से ना लिंक करके ऐसे लिंक कीजिए बेटा, जब कहते हैं ना कि आफ्टर रन, आप एक रन करके आए हैं, आप 4-5 किलोमीटर भाग, सॉरी, आप 1.5 घंटे से एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी से ऑलरेडी आपको स्वेटिंग परस्पायरेशन हो चुका है, तो सॉल्ट बाहर ऑलरेडी जा चुका है. आप बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं तो जब सॉल्ट का लॉस ऑलरेडी हो गया, तो आपने अगर उस टाइम पे नॉर्मल वाटर पिया, इवन आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी पिया, तभी कहते हैं ना कि अगर आप पिए तो उस टाइम पे लेमन वाटर पिए या ORS काइंड ऑफ वाटर कंज्यूम करें, मिक्स करें, राइट. क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आपने आइसोटोनिक वाटर भी पिया, जब वाटर गया आपके सॉल्ट सेल से, बहुत ज़्यादा आपके जो ब्लड से क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ क्या हो चुका है, सॉल्ट हो चुका है स्वेट की फॉर्म में, परस्पायरेशन की फॉर्म में, तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी लो होगी, है ना. आपने और यहाँ पर बॉडी को थर्स्ट, बॉडी प्यास लगी और आपने बेसिक नॉर्मल वाटर पी लिया, हाँ, ग्लूकॉन डी वगैरह उनमें सब में भी आप ऑस्मोलैरिटी ही बैलेंस करते हैं. सो व्हाट विल हैपन, बाहर जब हाइपोटोनिसिटी हो जाएगी, सो व्हाट विल हैपन, हाइपोटोनिसिटी में यहाँ से जो आपका वाटर है वो बाहर की तरफ पुल होने लग पड़ेगा हाइपोटोनिसिटी में, राइट. सो अगैन योर RBCs आर गोइंग टू श्रिंक, ब्लड की बात कर रही हूँ बेटा मैं जब एब्जॉर्प्शन के बाद, एंड इट इज़ गोइंग टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन. सेम गोज फॉर द कंडीशन, अगर आपने बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर डाल दिया बॉडी में, तो ऑस्मोलैरिटी, यहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया,
NaCl की ऑस्मोलैरिटी बाहर ज़्यादा होगी, वो तो एब्जॉर्प्शन तो होना ही है बेटा. एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में अगर गया आपके पास सॉल्ट, तो आप जानते हैं कि ठीक है उससे सारे ब्लड सेल्स डैमेज होंगे, जो मैंने पहली वाली कंडीशन बताई उससे भी. लेकिन अगर आपके WBCs डैमेज होते हैं बेटा, तो वो क्या कॉज करेंगे? इम्यून, आपको इम्यूनोलॉजिकल हैम्परनेस, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी का कम हो जाएगा, लेकिन उसमें आपकी डेथ नहीं होगी. प्लेटलेट्स के कारण लो होने पर भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी, लेकिन डेथ नहीं होगी. अगर RBCs में से आपने क्या कर दिया कि ऑब्वियसली ब्लड सेल्स RBCs भी हैं, यहाँ से सी वाटर के केस में हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगी. अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और वर्कआउट किया था, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी की वजह से अगर आपने प्लेन पानी पिया तो हाइपो ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी. एक कंडीशन में RBCs स्वेल्ड अप होंगी, दूसरी कंडीशन में RBCs श्रिंक हो जाएंगी जब पानी बाहर आ जाएगा तो. ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, फाइनली जब RBCs के लोने स्टार्ट हो जाएंगे, सो आपकी बॉडी में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाला एजेंट ही खराब हो रहा है ना, जिस वजह से इट इज़ गोइंग टू बी, यस ऑब्वियसली जब आपके सेल्स RBCs के सेल्स पिकअप करेंगे वाटर को फ्रॉम आउटसाइड, तो इट विल बर्स्ट, स्वेलिंग होगी, श्रिंक करने पे वो वैसे ही डैमेज हो जाएंगे. सो दैट माइट बी द रीज़न ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन्स, राइट? RBCs बर्स्ट होंगे, एक में स्वेल्ड अप होंगे. सो ये आपको कंडीशन ऐसे समझनी है. NaCl ऑस्मोलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में Mg2 पॉजिटिव की इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ही बहुत स्लो होती है. एब्जॉर्प्शन स्लो होने की वजह से एक तो ये रीज़न है, दूसरा इसका रीज़न क्या है कि ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन को रोकता है और बदले में हमारे ही ब्लड से वाटर को विड्रॉ कर लेता है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस डायरिया लाइक सिचुएशन की वजह से लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी एंड इट माइट लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन. सो ये दो पर्टिकुलर रीजंस हैं जो सॉल्टी वाटर में Mg2 पॉजिटिव और NaCl के कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से मना करते हैं किसी वाटर को पिए ना, इट माइट लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन. सेलर्स अभिषेक नाविक जो नाव चला रहे हैं, राइट? ओके, डिफरेंस बिटवीन परनिशियस एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, अगेन अ गुड क्वेश्चन. परनिशियस एनीमिया, मैंने आपको ये नाम शायद पहले भी लिया था, अगर आपको पता है तो, यस निखिल डेथ, मैंने रीजंस आपको क्विकली बता दी, नहीं पढ़िएगा, ठीक है? सो हाय रूपाली. तो बेटा परनिशियस एनीमिया अगर आपको पता है, हमने पहले भी नाम लिया था, वाइटमिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, राइट? जो परनिश, और एक और एनीमिया अगर आपको पता है, मैंने एक और नाम लिया था शायद मिगैलोब्लास्टिक, आई थिंक आई हैव टेकन दैट नेम. वाइटमिन B10 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है. मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, और मैंने आपको आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया है वो आपको पहले बता ही दिया था, राइट? वाइटमिन B12, वाइटमिन B10 का दूसरा नाम बेटा फॉलिक एसिड भी है. फॉलिक एसिड, अगर फूड में वाइटामिन B12 नहीं है या आपकी बॉडी में वाइटामिन B12 नहीं है, परनिशियस एनीमिया. इन दिस डिजीज देयर इज रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ RBCs इन द बोन मैरो. एक्चुअल में रिड्यूस्ड प्रोडक्शन नहीं, इट रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ, आप ऐसे समझिए कि मैच्योर्ड RBCs, मैच्योर्ड, मैच्योरेशन ऑफ RBCs नहीं होती बिगिनिंग से ही, ये बिल्कुल जेनेटिक लेवल पे जाकर डैमेज करता है RBCs को. इट्स डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इट कैन बी क्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग विटामिन B12 टू द पर्सन. सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आप जानते हैं. यहाँ पर आप इसे डाइट में पर्टिकुलर एजेंट को जो मिसिंग है उसे प्रोवाइड करके नहीं कर सक, इसे वो आप कॉम्पनसेट कर सकते. इस केस में बेटा आप जानते हैं व्हेन योर ग्लूटामिन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट 6th पोजिशन ऑफ द बीटा चेन, ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर योर, आई शुड नॉट बी लीडिंग माय क्लास टुवर्ड्स द बॉटनीज पार्ट, बट आपको पता है कि यहाँ पर GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG, ओनली वन बेस पेयर इज रिप्लेस्ड, ये आपको पता है 6th पोजिशन पर. इस केस में बेटा इन दिस डिजीज आपकी RBCs की शेप्ड जो है वो शेप जो है वही सिकल शेप हो जाती है. इस केस में इट इज़ हेरिडिटरी डिजीज और इसे आप जीन थेरेपी के मेजर से ट्रीट कर सकते हैं बेटा, ना कि बाय प्रोवाइडिंग द सप्लीमेंट, राइट?
यस, ग्लूटामिक एसिड इज डिस्प्लेस्ड बाय वेलिन, यही मैंने बोला था. एंड देन जो आपको कोडोन पता ही है कि जीएजी में एक बेस पेयर यानी कि जीयूजी हो जाता है सिक्स पोजीशन पे बीटा चेन में, ये आपको पता ही है, राइट. लेट्स फोकस ऑन पर्निशियस एनीमिया, दोनों में डिफरेंस ये था. पर्निशियस एनीमिया मैंने आपको बता दिया इसमें इमेच्योर आरबीसीज होंगे. मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में लार्ज साइज्ड आरबीसीज होते हैं, ये भी इमेच्योर्ड है, ये ज़्यादा ट्रेवल ही नहीं कर पाते, बर्स्ट हो जाते, ब्लॉकेज इन द ब्लड कैपिलरीज करने लग पड़ते हैं, आर्टीरियोल्स एंड कैपिलरीज में. दिस इज ऑल्सो अ लीदल प्रॉब्लम. वाइटामिन बी 12-10 की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लार्ज साइज आरबीसीज होते हैं. एंड वाइटामिन बी 12 के केस में इमेच्योर्ड आरबीसीज होते हैं, इनमें तो ये तो ऑक्सीजन कैरी ट्रांसपोर्ट करते ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट. दोनों तीनों टाइप ऑफ आपको एनीमियाज के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए. यस, इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया एम्ब्रियोनिक कंडीशन पर में ही हम जीन थेरेपी को यूज़ करते हैं बेटा, पॉइंट इमिटेशन होती है, ठीक है. आई नो दैट यू पीपल आर फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट्स. पर्निशियस एनीमिया, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया जो मैंने बताया, एंड देर आर सर्टेन मोर टाइप्स ऑफ एनीमिया जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है. तो तीनों के केस, इन तीनों केसेस में जो मैंने तीनों एनीमिया बोले, ये डिजीज्ड जो कंडीशंस हैं ये डाइटरी इनपुट्स की वजह से चेंज भी की जा सकती हैं, ठीक भी की जा सकती हैं, बट सिकल सेल एनीमिया कैन नॉट बी क्योर्ड बाय कंज्यूमिंग एनीथिंग इन द डाइट, राइट. लेट्स मूव ऑन टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द टुडेज वो सेशन. व्हाट आर द प्लीके सर्कुलरिस, गिव देयर लोकेशन एंड फंक्शन. ये टर्मनोलॉजी बच्चों को थोड़ा सा परेशान करती है, बिकॉज ये आप लोग शायद आप लोगों ने इसके अगर जिन्होंने हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से पढ़ा है उन्हें समझ आ जाएगा प्लीके सर्कुलरे किसे कहते हैं. बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखें, सो यहाँ पर सिर्फ विलाए प्रेजेंट नहीं होते हैं, ल्यूमेन में सबसे पहले जो ल्यूमेन की इंटरनल लाइनिंग है वो ही फोल्ड्स की फॉर्म में होती है. जो ये फोल्ड्स हैं ये कहलाते हैं प्लीके सर्कुलरे. हर फोल्ड के ऊपर फिर यहाँ पर विलाए प्रेजेंट होती हैं और ये विलाए फर्दर फोल्डेड होती हैं इनटू माइक्रो विलाए, ठीक है. प्लीके सर्कुलरे आरा जैसे रूगे होते हैं इन द स्टमक, ऐसे ही इंटरनल फोल्डिंग्स हैं बेटा, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल म्यूकोजा की. सबसे पहले फोल्ड्स हैं, स्ट्रेट लाइनिंग नहीं है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सिरो अंदर जो आपकी म्यूकोजा स्ट्रेट है उसके ऊपर विल्लाए हैं, नो. पहले ऑलरेडी फोल्ड्स हैं जिन्हें आप फोल्ड्स ऑफ करकरिंग या प्लीके सर्कुलरे कहते हैं. उन फोल्ड्स पे फर्दर आपके पास ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें आप विल्लाए कहते हैं. हर विल्लाए फर्दर फोल्डेड इनटू स्मॉलर स्मॉलर माइक्रो विल्लाए. पर्पज ऑफ ऑल दीज फोल्ड्स इज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इन द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. सबसे पहले फोल्ड्स रूगे की तरह जैसे स्टमक में रूगे प्लीके सर्कुलरे या फोल्ड्स ऑफ करकरिंग, उसके ऊपर विल्लाए, विल्लाएज के फर्दर फोल्ड्स जो हैं वो क्या होंगे, इसके ऊपर का मतलब है कि यही फोल्ड्स फर्दर जो हैं इस तरीके से ऐसे इनके ऊपर विल्लाए नहीं होती बेटा, ये जो फोल्ड्स हैं विल्लाए ही इन फोल्ड्स को कॉज कर रही हैं इस टाइप से, ऐसे विल्लाए, और विल्लाए फर्दर फोल्डेड होती हैं इनटू द माइक्रो विल्लाइज एंड सो ऑन. मतलब विल्लाए स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है या ट्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती हैं इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जहाँ जहाँ पर बेटा अब इस पे जो क्या कहते हैं हमारे पास फोल्ड्स ऑफ करकरिंग या प्लीके सर्कुलरे हैं इन पे बेटा बहुत जगहों पर एक और टर्मिनोलॉजी पड़ेगा, लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, GALT एंड MALT, गाल्ट एंड माल्ट टिश्यूज, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज या म्यूकोजा एंड एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, जहाँ पर मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स भी है, ये भी पढ़िएगा. जहाँ पर ये टिश्यूज गाल्ट एंड माल्ट प्रेजेंट होते हैं फोल्ड्स ऑफ करकरिंग पे, वहाँ विल्लाए नहीं होती हैं, राइट. वहाँ पर विल्लाए एब्सेंट होती हैं. सो पर्पज इज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सर्फेस एरिया, एंड आपको मैक्सिमम फ्लो फोल्ड जेजिनम में बहुत सारे दिखेंगे एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए, राइट. लैक्टोज इंटॉलरेंस अगेन अ कंडीशन. लैक्टोज इंटॉलरेंस कब होती है बेटा, जब हमारी बॉडी में ड्यू विद एजिंग बेटा क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है. लैक्टेज एंजाइम
की प्रोडक्शन कम हो रही है. विद एजिंग ये होता है, कभी कभी पहले ही एक सर्टेन एज से पहले ही स्टार्ट हो जाता है. जो बेटा लैक्टेज एंजाइम है वो करता है लैक्टोज की डाइजेशन, विच इज़ अ लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है, ठीक है, डाई टू मोनोसेकेराइड में ब्रेक करना है. अब अगर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का हमारे पास एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है, देन व्हाट विल हैपन इन दैट कंडीशन? लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगी, यानी कि बॉडी जो है जब लैक्टेज जब फर्दर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वहाँ पड़ा पड़ा क्या होगा, पड़ा रहेगा उस जगह पर, वहाँ पर मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स है, तो इसकी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी. एंड ड्यू टू फर्मेंटेशन ये सिम्टम्स शो करेगा फ्लॉटुलेंस जैसे. फ्लॉटुलेंस इज गैस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी पर्सन में, ठीक है, स्टमक क्रैम्प्स होंगे, ठीक है, स्टमक क्रैम्प्स होने स्टार्ट हो जाते हैं. एंड कंटिन्यूस एक नोजिया जैसी फीलिंग रहती है इन लोगों को, जैसे वॉमिट होगी अभी अभी इस टाइप से. सो बेटा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज की डाइजेशन नहीं हो पाती है, और लैक्टोज की डाइजेशन ना होने की वजह से व्हाट विल हैपन कि ये जो लैक्टोज है ये फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है. पेन होती है बहुत ज़्यादा पर्सन को इस कंडीशन में. इस कंडीशन को क्योर करने के लिए दीज पीपल आर टोल्ड टू अवॉइड कंजम्पशन ऑफ मिल्क डायरेक्टली, रादर दे कैन कंज्यूम योगर्ट ऑन प्लेस ऑफ मिल्क. राइट, योगर्ट, दही को कर्ड नहीं कहते हैं, योगर्ट कहते हैं. कर्ड इज़ योर कर्डल्ड मिल्क. कर्डल्ड मिल्क इज जो दूध फट जाता है, छेना जिसे आप कहते हैं. योगर्ट कंटेन्स, योगर्ट में ऑलरेडी फर्मेंटेड जो हमारे पास लैक्टोज है यूजिंग सम माइक्रोब्स, इट इज़ ऑलरेडी बींग कन्वर्टेड इंटू, इट इज़ ऑलरेडी बींग ब्रोकन डाउन इंटू इट्स मोनोसेकेराइडिक फॉर्म दैट इज ईजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. सो इस केस में पीपल आर टोल्ड टू कंज्यूम द नॉट बैक्टीरिया. एक्चुअल में यहाँ तक तो बैक्टीरिया एस्केर्शिया कोलाई नहीं आते हैं निखिल. एक्चुअल में यहाँ पे एक तरीके से आप टर्म यूज़ कर सकते हैं कि लैक्टेज हम पड़ा पड़ा अब सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, स्पॉइल्ड हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए मैंने टर्म वहाँ पर फर्मेंटेड यूज़ कर दी इन द इंटेस्टाइन. राइट, वहाँ पर एग्जैक्टली बैक्टीरियाज जो हैं, ठीक है, अगर खाने के साथ आ गए हैं तो वो शायद उसे फर्मेंट करना स्टार्ट कर देंगे, बट जनरली इट स्टेज स्टेल ओवर देयर, इट इज़ नॉट बींग टेकन अप बाय द बॉडी. राइट कश्यप, मैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीज रिलेटेड क्वेश्चंस बता रही थी बेटा. सो दिस इज गोइंग टू बी द लैक्टोज इंटॉलरेंस. इसके अलावा बेटा मैं आपको एक डिजीज, डायरिया इज लूज मोशन काइंड ऑफ कंडीशन देवेंद्र. इसके अलावा मैं आपको एक डिजीज और पढ़ने के लिए कहूँगी बेटा, दैट इज गैलेक्टोजीमिया. गैलेक्टोजीमिया जो है इसके इसमें बेटा ये है रिलेटेड टू एंजाइम यूरिडाइल ट्रांसफरेस. यूरिडाइल ट्रांसफरेस एंजाइम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसे पढ़िएगा. इस केस में जो पीपल हैं दे हैव टू कम्प्लीटली शिफ्ट टू द वीगन डाइट, दैट इज़ वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम ही नहीं करते हैं, ठीक है, इसे पढ़िएगा. लैक्टोज इंटॉलरेंस में मिल्क को छोड़कर और जो भी लैक्टोज नॉन कंटेनिंग जो इतने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आप कंज्यूम कर सकते हैं. सो गैलेक्टोजीमिया एंड जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दोनों डिफरेंट डिजीज़ हैं, इन दोनों के बारे में पढ़िएगा. सो दैट विल बी ऑल फॉर द डे बच्चों. इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ योर प्रैक्टाइजिंग क्वेश्चन आई विल ब्रिंग सम अदर क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर, ठीक है. एंड ऑब्वियसली मोस्टली क्वेश्चन विल बी डिजीज एसोसिएटेड ओवर देयर एज वेल, बट वहाँ कंडीशन एसोसिएटेड भी हो सकते हैं बिकॉज वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस आती हैं रिगार्डिंग द गैसेस के एक्सचेंजिंग मैकेनिज्म वगैरह पर भी, ठीक है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ द एस्पायर नीट. टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड बच्चों. बाय.